स्टूडेंट्स गुड इवनिंग टुवेल मुझ तुमक रिजनिंग एजुकेटर सुमेंग शेखर शर्मा आपको स्वागत करेंशार नंबर वन स्टडी चैनल साइ स्टडी क्लासेस पे आज हूँ मोर रिजनिंग डिकोडिंग मानते जो रिजनिंग चलता कोड़े डिकोडिंग तरह लास्ट क्लास कहीपर लास्ट क्लास मैंने पूर्व क्लास में तुम थ्योरी पार्ट सब कम्प्लीट कर देती आज तरह गोटे प्राक्ट सेट मुझे करी प्राक्ट सेट मीन एटे तुम 25टा क्वेश्चन रोह तुम जैक पढ़े तो कोड़े डिकोड जिते टाइप क्वेश्चन थी मुझे सब तुम मन को पढ़े तो ताकि बेस कर 25टा क्वेश्चन अच्छे तो सब क्वेश्चन मार्क रोक एक मार्क सब क्वेश्चन मार्क एक मार्क तो तुम्हें जो क्वेश्चन टाइम ठीक कर एक मार्क पाव जो भूल कर तो किसी मार्क पाव ना मैंने शून्य पाव तो पे भाव में मुझे तुमको क्वेश्चन कही चलि सब क्वेश्चन को सल्व करने तुमको 30 मिनट्स टाइम सर 30 सेकंड टाइम देवी तो 30 सेकंड भितर तुम्हें चेस्ट कर सल्व करके आंसर कहपर 30 सेकंड में तरह आंसर कहदेव है कि तो जदि 30 सेकंड तुम्हें सल्व नक पार्ला तुम्हें पज कर सल्व कर सल्व कर सारापर मुझ आंसर चेक कर मुझे कह तो एमती तुम्हें कह एमती कला 25टा क्वेश्चन तुम मन 25टा क्या 25 मार्क तो 25 मार्क रो कैसे मार्क तुम मैं रहा सहीटा तुम्हें कौन कर रहे तुम जो कमेंट सेक्शन अच्छे कमेंट सेक्शन में आंसर करदेव तुम ना आउ तुम मार्क बुझीगला भावे बहुत भल लगे बहुत इंटरेस्टिंग लगे क्लासटा तो पूर्व आम आज क्लास को जीवा पूर्व जब तुम आम चैनल प्रति नुआ होता तुम आम चैनल को पे लाइक एंड सब्सक्राइब कर और साइड में बेल आइकन को क्लिक करदेव जहाँफल आम चैनल सब लाइव नोटिफिकेशन सब फास्ट नोटिफिकेशन तुम्हारे पाखे पहुंची जा पार्टी आज लेट नक स्टार्ट करदेव आज प्रथम क्वेश्चन देख पे प्रथम क्वेश्चन कौन दे गोटे मिनिट हाँ प्रथम क्वेश्चन कौन दे रही पे जूम कर दूसरी देखा इन ए सर्टन कोड टी मुझे अक्सन देखा इन ए सर्टन कोड माड्रेस इज रिटन एज DAMSAR तो माड्रेस से कोड लांगुएज कौन लिखे DAMSAR देन पचार हाउ कैन मुंबई बी रिटन इन दैट कोड तो पे क्वेश्चन पर तुमको 30 सेकंड टाइम देते टाइम एवं स्टार्ट है तुम्हें मतलब 30 सेकंड भितर आंसर कह ठीक 30 सेकंड वेट कर पे ठीक 30 सेकंड आराम से आंसर कह इन ए सर्टन कोड इफ माड्रेस इज रिटन एज DAMSAR देन हाउ कैन मुंबई बी रिटन इन दैट कोड तो 30 सेकंड टाइम तुम मन पाखे अच्छे तुम आंसर कह समस्त पे आंसर कह चेषा कर एमती नुह कि ठीक है ना भूल है पीट भी किसी ना तुम मैंने शिखब शिखापी आस तो किसी असुविधा ना 29 पे 30 सेकंड हो जाए तो अभी मुझे आंसर कही दूसरे यार आंसर हम पे तुम बी आंसर है बी MUMIAB तो जो मैंने क्वेश्चन आंसर ठीक कर प्लस वन कर जो मैंने भूल कर प्लस जीरो किसी मार्क दबा ना सेकंड क्वेश्चन को जीवा देख सेकंड क्वेश्चन दे सेकंड क्वेश्चन दे इन ए सर्टन कोड लैंग्वेज ब्रेकडाउन इज रिटन एज NWODKAERB ब्रेकडाउन को से कौन लिखे NWODKAERB मैंने हाउ कैन बी ट्राइंगल्स कैन बी रिटन इन दैट कोड पे क्वेश्चन ये रहा ऑप्शन 4 तुमको सामने रही सॉल्व कर तुमको मुझे 30 सेकंड टाइम दे 30 सेकंड भितर मतलब आंसर को कौन है टाइम एवं स्टार्ट है 30 सेकंड टाइम अच्छे आराम से सॉल्व कर तापर मुझे आंसर कहदेवि समस्ते पार्टिसिपेट करो ट्राए करो करो ट्राए करो जमी पढ़ाई सेमती ही क्वेश्चन अच्छे किसी बाहर आसने आराम से सॉल्व करो आ 7 सेकंड बंची पे 30 सेकंड हो जाए तो यार आंसर पे 2 नंबर क्वेश्चन आंसर तुम्हारे सी SELGNAIRT तो जो मैंने ऑप्शन सी मारी ऑप्शन सी जो मैं लास्ट आंसर आसकर से प्लस वन कर आ जो मैं आसी ना से प्लस जीरो कर दियो और नेक्स्ट क्वेश्चन को जाए 3 नंबर क्वेश्चन देख थर्ड क्वेश्चन कौन दे थर्ड क्वेश्चन दे इन ए सर्टन कोड कोलिन CHOLINE इज रिटन एज OCIHLEN हाउ विल सर्जन बी रिटन इन दैट कोड तो सी देखा इन जदि गोटे कोड लांगुएज कोलिन को लिखे कौन लिखे OCIHLEN देन सी सर्जन को से कोड लांगुएज कौन लिखिपर ये तुमको क्वेश्चन पचारे पे यार ऑप्शन क्वेश्चन तुमने सामने ऑप्शन भी 4टा सामने अच्छी तुम्हें सल्व कर सल्व कर मतलब कौन आंसर के तुम टाइम स्टार्ट है एवं 30 सेकंड टाइम पे पाखे टाइमर रखी 30 सेकंड हम मुझे तुम्हें आंसर कहीदेवी तो आउ थोड़े तुम्हें ट्राए कर करें जदि तुम एत स्पीड कर पार ना तो वीडियो को पज कर पज करके आंसर कह आंसर कहला मत कमेंट सेक्शन में तुम्हारा मार्क मेनसन करदेव
आराम से कर, 30 सेकेंड टाइम तुम पाखे अच्छे। मैंने 30 सेकेंड होगा तो यार आंसर मुझे तुमको कहीदेव रे, 3 नंबर आंसर है डी, आर एस ई यू जि एन ओ, आर एस ई यू जि एन ओ। पे ये जी जार आंसर डी आ प्लस वन कर, आर अलग किसी आस कर दि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, 3 नंबर गला, 4 नंबर क्वेश्चन आइला। पे 25टा क्वेश्चन अच्छी, भावुचे भारी इंटरेस्टिंग सेक्शन टाइम देख। क्वेश्चन कौन दे, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज कोड इज रिटन एज डीपीएमई। पे कोड को कोड लैंग्वेज में कौन लिखी डीपीएमई लिखी, तो पचारा हाउ क्यान चाइना भी रिटन इन दैट कोड, तो चाइना को से कोड लैंग्वेज तुम लिखिपार कौन लिखिपार, यहाँ पे क्वेश्चन अच्छी। तो तुम मैंने यार सल्व कर, तुम मैं टाइम स्टार्ट हो, 30 सेकेंड टाइम अच्छी कर, कर मत आंसर कह, तुम 30 सेकेंड अच्छी। बहुत इंटरेस्टिंग आज सेसन टा, समस्ते पार्टिसिपेशन करने चेस्ट कर, 30 सेकेंड टाइम अच्छे आराम से सल्व कर, 30 सेकेंड पर मुझे आंसर कहीदेव कौन हो। आंसर होगा टाइम 30 सेकेंड हो, तो 4 नंबर आंसर तुम मैं कहीदे, 4 नंबर आंसर, सॉरी 4 नंबर आंसर पे मैंने सी डी आई जे ओ बी। तो डी आई जे ओ बी जो मर आंसर एकदम ठीक अच्छे से प्लस वन कर, और जो मैं आगे आंसर अच्छे से माइनस वन, सॉरी माइनस वन कहली जीरो कर दि। आंसर क्वेश्चन देख, पांच नंबर क्वेश्चन पे कौन दे, इफ डेली इज रिटन एज एक्स के एच जेड सी, तो डेली से कोड लैंग्वेज पे कौन लिखी एक्स के एच जेड सी। तेन व्हाट इज दि कोड फर फर्टाइल एफ आर टी आई एल, तो डेली से जी कोड लैंग्वेज एक्स के एच जेड सी लिखी, तेज से कोड लैंग्वेज से फर्टाइल को कौन लिखिपार। पे क्वेश्चन तुम सामने, ऑप्शन चार्ट तुम सामने रहा, सल्व कर, तुम 30 सेकेंड टाइम स्टार्ट है एबू, 30 सेकेंड टाइम अच्छे, 30 सेकेंड भितर सल्व कर मत आंसर को। 5 नंबर पांच सेकेंड पे टाइम सर जाइए रे। तो 5 नंबर आंसर कौन, 5 नंबर आंसर सी सी, जो मान आंसर ऑप्शन सी आसी आंसर से मानकर एकदम ठीक अच्छी, आउ जहाँ आउ किसी आसी पे तुम आंसर भूल अच्छे, तुम्हें मैंने आउ थे चेक कर बाच मैं जो सेक्शन है, तुम आउ थे पढ़ी दिवे समस्त क्लीयर हो, जब भी तरह डाउट हो तुम मैंने पचारिपर। 6 नंबर क्वेश्चन को जीवा, आज मुझे किसी करेंगे मोर आज किसी काम ना, तुम्हें खाली सब कर, तुम्हें खाली क्वेश्चन ही देवी, कारण मैं 5टा क्लास में बहुत पढ़ाई, यहाँ तुम मैं टेस्ट, वन टाइप्स ऑफ टेस्ट। अच्छा 6 नंबर क्वेश्चन कौन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन लगेगा, इन इफ इन ए सर्टन कोड लैंग्वेज प्रिया इज कोडेड एट बी एल भी यू, देन हाउ विल नाइट बी रिटन इन दैट कोड। तो पे कोड लैंग्वेज में प्रिया को जब से बी एल भी यू लिखी, तो से नाइट को से कोड लैंग्वेज में कौन लिखिपार, यहाँ मोर क्वेश्चन अच्छी। तो क्वेश्चन तुम सामने, ऑप्शन चार्ट तुम सामने अच्छे, तुम मैंने देखिपार, तो एबे तुम यहाँ सल्व कर, तुम मैं 30 सेकेंड टाइम स्टार्ट है एबू, 30 सेकेंड भितर यार आंसर देवा चेस्टा कर। समस्त पे पार्टिसिपेशन कर, कहीं चुपचाप है बस जाओ, समस्ते मन कर, समस्ते निजर मार्क अपडेट करदे ना विथ मार्क, तुम ना कौन आ तुम 25 रु के मार्क रहा, मुझे जापरि किए किए क्लास करें, किए रेगुलर क्लास करें, मुझे बेस एफर्ट पकई पारे है, मतलब भल लगे किए मो क्लास करूँ, मुझे बेस एफर्ट पकईबी। पे 30 सेकेंड टाइम हो जाए, तो मुझे यार आंसर तो मैं कहीदे, 6 नंबर आंसर है, 6 नंबर आंसर है ए। तो ए जो मैं आज एकदम करेक्ट अच्छी, जहाँ 6 छड़ा आज किसी तरह भूल अच्छे, तुम मैंने आउ थे से क्लास जोड़ा मुझे करें देखी दि, जदि देखी ना तो थे देखी दि, जदि देखिए भी डाउट अच्छी तो तुम्हें आउ थे देख, जदि डाउट है तो मत तुम मैंने पचारिपर। हाँ पे सेकेंड क्लास तुम वीडियो क्वालिटी कम हो जाता, आउ कौन होता है मुझे ए रोजिशन बैकवर्ड पोजिशन 27 लिख देती, से क्षमा चाहूँ, से अन्य मनस्क लिखी देती, आउ वीडियो क्वालिटी एक्चुअली मैं फास्ट क्लास नौला, तो मुझे जापारे के खराब हो, नेक्स्ट मोर से हमें, तो तार पीडीएफ तुमको मुझे पठाईदेवी, तुम्हें सेटा देखे पार,
କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବେ ସାତ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା, ସାତ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ସାତ ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦେଇଛି, ଇଫ୍ ଇନ୍ ଏ ସଡନ୍ କୋଡ଼ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ନର୍ମାଲ ଇଜ୍ ରିଟିନ୍ ଆଜ୍ ଆର୍ ଏମ୍ ଭି କେ ଏ ଜେ, ନର୍ମାଲକୁ ସେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଛି? ଆର୍ ଏମ୍ ଭି କେ ଇ ଜେ, ତେଣୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି କୋଡ଼ ଫର୍ ରମେଶ, ତ ରମେଶକୁ ସେ କୋଡ଼ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ? ପିଲାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା, ତୁମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା, ଚାରିଟା ଅପ୍ସନ୍ ରହିଲା, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ତିରିଶ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏବେଠୁ। ସଲ୍ଭ କର, ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିକି ମୋତେ ତିରିଶ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆନ୍ସର୍ କୁହ। ସମସ୍ତେ କେହି ବି ଚିଟ୍ କରିବନି, ଯେତିକି ମାର୍କ ଠିକ୍ କରିବ ସେତିକି ମାର୍କ ହିଁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ମେନ୍ସନ୍ କରିବ। ଏମିତି ନାହିଁ କି କିଛି ତ ଭାବିବେ କ'ଣ ଲାଜ ଲାଗିବ ମେନ୍ସନ୍ କରିବନି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମେନ୍ସନ୍ କରିବ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଲାଜ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲ ତୁମର ଯଦି କିଛି ଖରାପ ହେଉଛି ତୁମେ ଆହୁରି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ, ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାରେ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ, ସିଏ ମୋତେ ଅଧିକ ରଖିଥିଲା ଏବେ ରଖିଥିଲା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଥାର୍ଡ଼ ସେକେଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ ହେଇଯାଇଛି, ତ ସାତ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ତୁମର କ'ଣ? ସାତ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଲା ସି, ଯିଏ ପିଲାମାନେ ସି କରୁଛ ଏକ୍ଜାମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯିଏ ସି ଠାରୁ ଅଲଗା କିଛି କରୁଛ ଭୁଲ ଅଛି, ତ ଯିଏ ସି କରୁଛ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ କରିଦିଅ, ଯିଏ ସି ଠାରୁ ଅଲଗା କିଛି କରୁଛ ଜିରୋ କରିଦିଅ, ଏଠାରେ କିଛି ମାର୍କ କେତେ ଜିରୋ ଦେଇଦେବ। ହଁ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ମାର୍କ ଅପଲୋଡ଼ କରିବରେ, କେହି ଭାବିବନି କି ଖରାପ ଲାଗିବ ଇଏ କରିବ, କିଛି ନାହିଁ, କେତେ ମାର୍କ ରହିଲା ସେଟା ତୁମର ମ୍ୟାଟର କିଛି କରେନି, ଏଠି ତୁମେ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛ, ବିଏଡ଼୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତୁମେ କେତେ ମାର୍କ ଠିକ୍ କରିଛ ସେଇଟା ତୁମର ମ୍ୟାଟର କରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କି ଅଧିକ ରଖିଲା କମ୍ ରଖିଲା କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ମାର୍କ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବ। ପିଲାମାନେ ଆଠ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଆଠ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଇଫ୍ ଇନ୍ ଏ ସଡନ୍ କୋଡ଼ ସିଙ୍ଗର ଇଜ୍ କୋଡେଡ୍ ଆଜ୍ ଏ ଆଇ ବି ସି ଇ ଡି, ସିଙ୍ଗରକୁ ପିଲାମାନେ ସେ କୋଡ଼ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖିଛି? ଏ ଆଇ ବି ସି ଇ ଡି, ତ ହାଉ ୱିଲ୍ ଗିଙ୍ଗର କ୍ୟାନ୍ ବି ରିଟର୍ନ ଇଣ୍ଟେଡ଼୍ କୋଡ଼, ତ ସେଇ କୋଡ଼ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଗିଙ୍ଗରକୁ ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ? ପିଲାମାନେ ଆଠ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ରହିଲା, ଆଉ ଅପ୍ସନ୍ ଚାରିଟା ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ରହିଲା, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏବେଠୁ, ଆନ୍ସର୍ ଦିଅ ତିରିଶ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ। ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍, ସମସ୍ତେ କର, ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କର, ସମସ୍ତେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ସବୁ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅ ପିଲାମାନେ, ଦେଖାଯାଉ କିଏ କେତେ ବୁଝିଛି, କାହାର କେତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅ। ମୋ ଟାଇମର୍ ସାଇଟ୍ରେ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେଇଟା କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଲା, ଥାର୍ଟି ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା, ମୁଁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବି, ତୁମ ଅଲଗା ଠିକ୍ କହିଲି ପିଲାମାନେ ଥାର୍ଟି ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଗଲାରେ, ତ ଆଠ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଆଠ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍, ଆଠ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ବି, ତ ଯାହାର ଆନ୍ସର୍ ବି ଆସିଛି ସେ ଏକଦମ୍ କରେକ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଯାହାର ବି ଠାରୁ କିଛି ଅଧିକା ସେଠି ଭୁଲ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଆଉ ଥରେ ତୁମର ଆନ୍ସର୍କୁ ଚେକ୍ କରିନିଅ। ଏବେ ନଅ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖରେ, ନଅ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନଅ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିଲା, ଇନ୍ ଏ ସର୍ଟନ୍ କୋଡ଼ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଷ୍ଟାଗ୍ ଇଜ୍ ରିଟିନ୍ ଆଜ୍ ଏଚ୍ ଜି ଜେଡ୍ ଟି, ତ ଷ୍ଟାଗ୍କୁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଛି? ଏଚ୍ ଜି ଜେଡ୍ ଟି, ହର୍ନ ଇଜ୍ ରିଟିନ୍ ଆଜ୍ ସ୍ଲିମ୍, ଦେନ୍ ହାଉ ୱିଲ୍ ନଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ରିଟିନ୍ ଇନ୍ ଡାଟ୍ କୋଡ଼, ଯଦି ଗୋଟେ କୋଡ଼ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ସେ ଷ୍ଟାଗ୍କୁ ଏଚ୍ ଜି ଜେଡ୍ ଟି ଲେଖିଲା, ଆଉ ହର୍ନକୁ ପିଲାମାନେ ଏସ୍ ଏଲ୍ ଆଇ ଏମ୍ ସ୍ଲିମ୍ ଲେଖିଲା, ତ ସେହି ହିସାବରେ ନର୍ଥକୁ ତୁମେ ଯଦି କୋଡ଼ିଂ କରିବ ତା'ର କୋଡ଼ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କ'ଣ ହେବ? କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ପିଲାମାନେ, ଅପ୍ସନ୍ ଚାରିଟା ତୁମ ସାମ୍ନାରେ, ଆଉ ତୁମ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏବେଠୁ, ଥାର୍ଟି ସେକେଣ୍ଡର ଟାଇମ୍ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଯାହାର ଥାର୍ଟି ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ହେଉଛି ହଉ ନାହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ତୁମର ଟାଇମ୍ ରଖିବା କିଛି ଟାଇମ୍ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ଯେତେ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ତୁମର ଏଫିସିଏନ୍ସି ବଢ଼ିଯିବ, ତୁମର ଆନ୍ସର୍ କରେକ୍ଟ ଆସିବା ଦରକାର, ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଜଲ୍ଦି ଆସିବା ଦରକାର, ତୁମ ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଆସିବା ଦରକାର, ତ ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରିକି ତୁମେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ମାର୍କ ବି ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଦେଇପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତୁ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଏମିତି ନୁହେଁ ତର ବେଳେ ଭୁଲ କରିଦେବି। ପିଲାମାନେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଅଲରେଡ଼ି ଥାର୍ଟି ସେକେଣ୍ଡ, ତ ନଅ ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ କହିଯାଉଛି, ନଅ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ବି, ଯେଉଁମାନେ ବି କରିଛ ସେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯିଏ ଆଉ କିଛି ଆନ୍ସର୍ କରିଛ ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ରିଚେକ୍ କରିଦିଅ। ଦଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଦଶ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଇଫ୍ ଇନ୍ ଏ ସଡନ୍ କୋଡ଼ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କ୍ଲବ୍ ଇଜ୍ ରିଟିନ୍ ଏଜ୍ ଏକ୍ସ ଓ ଏଫ୍ ୱାଇ, କ୍ଲବ୍ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛି? ଏକ୍ସ ଓ ଏଫ୍ ୱାଇ, ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ରିଟିନ୍ ଇନ୍ ଡାଟ୍ କୋଡ଼, ପିଲାମାନେ ନଟ୍କୁ ସେ କୋଡ଼ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ ଏଇଟା ପଚାରିଛି, ଯଦି ସେ କ୍ଲବ୍କୁ କୋଡ଼ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ରଖିଲେ ଏକ୍ସ ଓ ଏଫ୍ ୱାଇ, ଦେନ୍ ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ବି ନଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ରିଟିନ୍ ଇନ୍ ଡାଟ୍ କୋଡ଼, ପିଲାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ତୁମ ସାମ୍ନାରେ, ତୁମମାନଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏବେଠୁ, ତିରିଶ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅ, ମୁଁ ତିରିଶ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଟ୍ କରିଛି। ଦଶ ନମ୍ବର ଗଲେ ଏବେ ଆଉ ପନ୍ଦରଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା, ଫୋର୍ଟି ନାଇନ୍ ଫିଫ୍ଟି, ଜଲ୍ଦି କର ପିଲାମାନେ, ଟାଇମ୍ ସରି ସରି ଆସୁଛି, ମାତ୍ର ଆଉ ଦୁଇ ସେକେଣ୍ଡ, ଦୁଇ ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ଦଶ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ତୁମର ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଦଶ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଏ,
जो मैंने ए कर पाने आंसर बिल्कुल करेक्ट अच्छी आज जो मैंने कि अलका कर पाने आंसर को आउ थे रिचेक् कर दि। एगार नंबर क्वेश्चन देख रहे एगार नंबर क्वेश्चन कौन दे इफ लेट इज कोडेड आज भि जि जेड ओ पाने लेट को कौन लिखे कोड लांगुएज भि जि जेड ओ देन हाउ क्यान भी सैन भी रिटर्न इन दैट कोड तो सैन को तुम्हें से कोड लांगुएज कौन लिखिपार यहाँ अच्छे तुम्हारे क्वेश्चन क्वेश्चन पे तुम सामने ऑप्शन चार भी अच्छे तुम्हारों सामने आंसर कह कौन हम टाइम स्टार्ट है एवं एगार नंबर आंसर कौन हम समस्ते ट्राए कर करने आंसर कौन आस वेट कर 30 सेकेंड। एगार नंबर मैंने टाइम तुम मानगला एगार नंबर आंसर कौन पे एगार नंबर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी तो ऑप्शन सी जो मैंने कर पाने तुम बिल्कुल करेक्ट अच्छी आउ जो मैंने आगे कर पाने तुम क्वेश्चन को आउ थे चेक कर दि। बार नंबर को जीवा बार नंबर कौन दे देख पाने बार नंबर दे इफ इन ए सर्टन कोड लांगुएज टॉप इज रिटन टॉप को से कौन लिखी ओ क्यू एन पी एस यू पे भलसे देख टॉप को से कौन लिखी ओ क्यू एन पी एस यू रेड को से कोड लांगुएज कौन लिखी रे रेड कोड से कोड लांगुएज लिखी एस यू जेड बी क्यू एस तेरे पचर से हाउ विल गन भी रिटन इन दैट कोड तो गन को से कोड लांगुएज कौन लिखिपार पे क्वेश्चन बुझेगा क्वेश्चन तुम सामने ऑप्शन चार तुम सामने आंसर दि तुम टाइम स्टार्ट है एवं 30 सेकेंड टाइम अच्छे सब क्वेश्चन पे 30 सेकेंड तुम्हें पे दूसरी आ गोटे मिनट दे हेबन कारण बहुत लंबा है वीडियो से 30 सेकेंड दिया दिहे ताकि ट्राए कर आंसर कर 30 सेकेंड वेट करें आंसर कहीदेव कौन तुम्हें मेलेद आउ पे मोस्ट इंपोर्टेंट समस्ते मार्क अपडेट करदे कहीं छपिक रही हाउ 4 सेकेंड आ 1 सेकेंड हो पाने बार नंबर आंसर है 12 नंबर आंसर है डी तो जो मैंने डी कर पाने आंसर बिल्कुल करेक्ट अच्छी एक नंबर कहते हाँ एक नंबर कहते सी 12 नंबर आंसर अच्छी डी तो जो मैंने डी कर पाने ठीक अच्छी आउ जी अलग किसी कर पाने आंसर को आउ थे मेले दि देखिए कौट भूल भाग कर 13 नंबर क्वेश्चन देख रहे 13 नंबर कौन दे सब पाने परीक्षा पे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहीं भी मिस कर ना सब मुझे लाइव क्लास अटेंड करा चेस्टा कर लाइव भी मैंने प्रिमियर हो तभी मन कौन कह तुम्हें सबुद क्लास अटेंड कर एमती नुहे कि गोटे देख ले चार्ट पढ़े सेम सब क्लास अटेंड कर समस्त मेड एंट्रेंस क्लियर हो। अच्छा पे एटा कौन दे इफ इन सर्टन को लांगुएज भाई इज रिटन आज 2819 भाई को कौन लिखे 2819 खाँटी ओडिया कहीदेली से भाया से सी डी आर एस को कौन लिखिपार यहाँ तुम मानक क्वेश्चन में पचार पे क्वेश्चन तुम सामने ऑप्शन चार्ट तुम सामने आंसर कह कौन हम 13 नंबर आंसर कौन 30 सेकेंड वेट कर आंसर कह 25 क्वेश्चन हम तुम मन कर या नेक्स्ट क्लास में तुम लेटर एंड नंबर्स स्टार्ट कर देवी यूट्यूब केवल क्लास ही था भी हो पार ना था कि मुझे ना पे क्वेश्चन किसी करदे पीडीएफ जेहतु दे पार ना से करदे भाई तुम भल लगे जब भल लगे पे निहाते लाइक कर गोटे भिडियो को आज सब्सक्राइब करदेव तुम सांगे सेयार करदेव जो मैंने किसी पापर ना पाने तो तुम 30 सेकेंड हो जाए तो 13 नंबर आंसर मुझे कहीदेगी 13 नंबर आंसर है पे तुम डी तो जो मैं डी आसी आंसर एकदम ठीक अच्छे आउ जी कि छड़ा आगे किसी आंसर आस तो मैंने पे रिचेक् कर दिवरे 14 नंबर क्वेश्चन को जी अभी 14 नंबर कौन दे इफ इन ए सर्टन कोड लांगुएज विंड इज रिटन आज 4149 2 3 विंड को पे कौन लिखे 4149 2 3 एंड सेंड इज रिटन आज 4141 119 एंड हाउ विल फैशन भी रिटन इन दैट कोड तो पे विंड को जब से कोड लांगुएज 4149 2 3 लिखी आउ सेंड को लिखी 4141 119 तो फैशन को से कोड लांगुएज कौन लिखिपार यहाँ तुम आंसर पे ऑप्शन 4 तुम सामने अच्छी सल्व कर टाइम स्टार्ट है 30 सेकेंड टाइम एवं स्टार्ट होगा अलरेडी 4 सेकेंड पड़ेगा आराम से स्टार्ट कर वेट कर 30 सेकेंड पर्यंत देन मुझे आंसर कहीदेवी 10 सेकेंड 9 सेकेंड 8 7 6 5 4 3
टू वन स्टॉप पे टाइम हो जाए 30 सेकेंड तो 14 नंबर आंसर है पे 14 नंबर आंसर है डी चेक कर दियो जो 14 नंबर आंसर जो मानक डी आसूँ एकदम ठीक अच्छे आज मानक आज किसी आने तुम्हें रिचेक कर दि तो 15 नंबर क्वेश्चन पे 15 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा सामने 15 नंबर क्वेश्चन कौन देखिए देख इफ इन सर्टन कोड लांगुएज रिफर्म इज रिटन एज 426349 पे रिफर्म क्वेश्चन कौन लिखी 426349 आखन दे फर्मुला इज रिटन एज फर्मुला को पे से कोड लांगुएज कौन लिखी लिखी 6349871 6349871 हाउ एंड मूल कैन बी रिटन इन दैट कोड पे क्वेश्चन तुम सामने अच्छे ऑप्शन भी तुम्हारा सामने चार गोटे ऑप्शन अच्छी तुम्हारे सॉल्व करो सॉल्व कर मतलब आंसर कौन तुम्हारे टाइम स्टार्ट होल्व करो सॉल्व कर आंसर को 30 सेकेंड टाइम अच्छे तुम्हारा पाखे थर्टी थ्री पर्यटन वेट कर समस्ते कह पे टाइम हो गला तो 15 नंबर आंसर कौन पे 15 नंबर आंसर है सी जो मानक सी आंसर एकदम ठीक अच्छे जो मैं आगे आसी मैंने आंसर पे आउ थे चेक कर दिव्य 16 नंबर क्वेश्चन को तो 16 नंबर क्वेश्चन कौन देखिए देख 16 नंबर क्वेश्चन दे सरी 17 नंबर अच्छा 16 नंबर तो पे 16 नंबर कौन देखा इन ए सर्टन कोड लांगुएज परफेक्ट रिटन एंड 116 पे परफेक्ट को कोड लांगुएज कौन लिखे 116 लिखी तुम्हें पचारा कंपाउंड के तुम्हें से कोड लांगुएज कौन लिखि पार क्वेश्चन बुझा पड़े पे क्वेश्चन तुम्हारे सामने ऑप्शन 4 तुम्हारे सामने सॉल्व कर तुम्हारे टाइम स्टार्ट है एवं जल्दी जल्दी सॉल्व कर सॉल्व कर 30 सेकेंड टाइम अच्छी 30 सेकेंड सॉल्व कर वेट कर 30 सेकेंड सॉल्व कर हाँ समस्त निजर मार्क अपडेट करदे कहीं अपडेट कर भूलो ना कि छपिजी आउ थे कहीदे आ गोटे सेकेंड यस हो गला तो पे 16 नंबर आंसर कौन 16 नंबर आंसर तुम पेर डी तो डी जो मान बाहरी से आंसर एकदम ठीक अच्छी तापर देख 17 नंबर 17 नंबर कौन दे तो इफ इन ए सर्टन कोड लांगुएज ट्रु इज रिटन एज 8316 पे मैंने ट्रु को से कौन लिखी 8316 लिखी तब टैप को से लांगुएज कौन लिखि पार पे क्वेश्चन तुम सामने ऑप्शन तुम सामने तुम्हारे टाइम स्टार्ट है एवं 30 सेकेंड टाइम अच्छे 30 सेकेंड भर तुम्हें सॉल्व कर आंसर को आ पे जदि तुमको क्वेश्चन डिस्कशन आज भल लगे तो निहत लाइक कर भिडियो को लाइक कर आम चैनल को सब्सक्राइब कर आ तुम सांग जो मैंने सब एजुकेशन पापार ना बीएड एंट्रेंस क्वालिफाई जो पैसा देखिए कौटे कोचिंग नहीं पारना से पाखे पहुँचाओ से पढ़ा दरकार से क्वालिफाई करवा दरकार से लक्ष्य तो निहाती लाइक सब्सक्राइब कर सेयार भी कर 17 नंबर आंसर दिवे टाइम हो गला पे 17 नंबर आंसर तुम्हारे कहीदे 17 नंबर आंसर है बी जार बी आंसर आसी एकदम ठीक अच्छे जार आज किसी आसा पे तुम्हें आउ थे चेक कर दि 18 नंबर देख पे जहाँ पढ़े से क्वेश्चन आसी बी सीओर या ठू अधिका किसी भी क्वेश्चन तुम एंट्रान्स आसो ना ये भितर ही आसो एति मैंने पर्टिकुलर ये क्वेश्चन नुहे ये टाइप रस अच्छा 18 नंबर देख रहे इफ इन ए सर्टन को लांगुएज गल इज गन इज रिटन एज 5 @$9 एंड सिल बी रिटन एज 69% एंड स्टार एंड हाउ कैन बी लक्स बी रिटन इन दैट कोड मैंने क्वेश्चन बुझी होती क्वेश्चन पढ़े तो क्वेश्चन देख तले तेरे चार गोटे ऑप्शन अच्छे ऑप्शन को देख दे कि आंसर कह तुम टाइम स्टार्ट है एवं सॉल्व कर समस्ते थर्टी सेकंड टाइम अच्छे तुम पाखे आराम से सॉल्व करो मैंने 30 सेकेंड हो जाए 8 नंबर आंसर कह दूसरी 8 नंबर आंसर कौन पे 8 नंबर आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 8 नंबर आंसर जो मैं ऑप्शन नंबर डी बाहरी एकदम करेक्ट अच्छे जो मैं आज किसी पे आउ थे तुम्हें रिचेक कर दि
एबे देखो 19 नंबर क्वेश्चन कौन दीचे रे 19 नंबर क्वेश्चन पिलान दीचे इफ लायन इज कॉल्ड एज फिश फिश इज कॉल्ड एज पैरट पैरट इज कॉल्ड एज रैट रैट इज कॉल्ड एज कैट एंड कैट इज कॉल्ड एज टाइगर देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बर्ड तो पिलाने लायन को जो फिश को जाउची फिश को जो पैरट को जाउची पैरट को जो पिलाने रेड को जाउची और रेड को जाउची कैट कैट को जाउची टाइगर तबे कोडा गोटे बर्ड ए मानन को भीतर चारटा ऑप्शन अछि चारटा भीतर के गोटे बर्ड को सुचाउची पिलाने आंसर दियो तुम मन को टाइम स्टार्ट ले एबेट वेट कर आंसर दियो 30 सेकंड वेट कर बहुत इजी क्वेश्चन पढ़े एम क्वेश्चन तुम लोग जे सीरीयसली क्लास कर सल्व कर किसी असुविधा हमें तरह भाव से समस्ते कर 4 सेकंड 3 सेकंड 2 1 स्टॉप मैंने टाइम हो गला तो 19 नंबर आंसर मुझे तुमको कही 19 नंबर आंसर हम सी 19 नंबर आंसर है सी पे जार आंसर सी आसी एकदम ठीक अच्छे आज जहाँ आज किसी मारिच पे भूल अच्छे तुम्हें चेक करदेव रे 20 नंबर को कोड़े नंबर कौन दे इफ लिली इज कॉल्ड एज लोटस लोटस इज कॉल्ड एज रोज रोज इज कॉल्ड एज सनफ्लावर सनफ्लावर इज कॉल्ड एज मेरी गोल्ड देन व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया पे जब लिली को लोटस कह लोटस कह रोज रोज को कह जाए सनफ्लावर सनफ्लावर को जो कहते हैं मेरी गोल्ड तेज एम भितर कौटा आम इंडिया नेशनल फ्लावर पे क्वेश्चन तुमने सामने ऑप्शन भी तुमने सामने मोर टाइम स्टार्ट हो 30 सेकंड टाइम अच्छे सल्व कर पे टाइम पे गला तो 20 नंबर आंसर तुमको कहीदे 20 नंबर आंसर पे 20 नंबर आंसर है सी तो जो मान आंसर सी आसी एकदम ठीक अच्छे तो सी प्लस 1 कर दियो मार्क आ जो मान आंसर सी आसी ना कि प्लस 0 कर दियो 21 नंबर देख ये टाइम लगे 30 सेकंड हो नपा यहाँ पे तुमको ना 30 सेकंड दे हेब तो जब तुमको 30 सेकंड न हुए तुमने पज करके भी यार आंसर दे पार तो कौन देला इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ही कैन कम इज रिटन एज एन आई की एम ए डी एंड कम हियर फास्ट इज रिटन एज टी एल आई टी पी एंड सी इज गन इज रिटन एज एम ए एल एस सी देन व्हाट इज द कोड फॉर ही तो पे हिरो कोड कौन तुमने सामने पे क्वेश्चन देली ऑप्शन चारिटा तुमने सामने अच्छी तुम्हें ट्राए सल्व कर चेस्ट कर 30 सेकंड टाइम तुम्हारे स्टार्ट है करो सॉल्व करो चारिटा क्वेश्चन रहा चार क्वेश्चन कर कंप्लीट टाइम हो जाए तो ये 21 नंबर आंसर मुझे कहीदे 21 नंबर आंसर हम तुम ऑप्शन ए तो ऑप्शन ए जो मन आ पूरा ठीक अच्छे जो मन आउ किसी अच्छे पे तुम आंसर को रेक्टिफाई कर चेक कर दिव्य कौन भूल है 22 नंबर क्वेश्चन देख से टाइप रोटे क्वेश्चन अच्छे कौन देला इफ 461 इज कॉल्ड एज व्वेर आर यू 169 इज कॉल्ड एज हाउ यू आर गुड एंड 8652 इज कॉल्ड फ्लावर्स फ्लावर में लिखे फ्लावर्स हम फ्लावर्स आर नॉट बैड देन व्हाट इज द कोड फॉर गुड तो पे एक जब हुए तो कोड आम गुड रोड कौन तुम मैंने आंसर दियो तुम टाइम स्टार्ट हो 30 सेकंड टाइम अच्छे तो 30 सेकंड भितर पे तुम सॉल्व कर 30 सेकंड में आंसर कहीदेवी समय सर जाऊँगी जल्दी जल्दी टिंडारा कर देख कौन भाग आंसर बहुत इजी क्वेश्चन समस्त को आसीबो समस्त ट्राई कर करिवा को पिला माने टाइम ऑलरेडी हो जाई छी तो 22 नंबर आंसर में कहि दउ छी 22 नंबर आंसर पिला माने बी 9 तो 22 नंबर आंसर अब बी तो 22 नंबर आंसर जो माने बी दे छै एकदम ठीक अछि जो माने आउ किछ दे छै पिला माने आंसर कर चेक कर रे
आम देखा 23 नंबर क्वेश्चन देखो 23 नंबर कौन देखिए 23 नंबर देखिए इफ फेयर इज कोडेड आज फेयर को पे से कौन कही 2115269922 देन हाउ विल ब्रीफ कैन बी रिटन इन दैट कोड तो पे ब्रीफ को सही कोड लांगुएज कौन लिखाई पार क्वेश्चन तुम्हारे सामने ऑप्शन तुम्हारे सामने आंसर कहो तुम टाइम स्टार्ट है वेट टाइम स्टार्ट है वेट आंसर कहो थर्टी सेकेंड टाइम अच्छी पे अलरेडी टाइम तो मैंने हो जाए तो 23 नंबर आंसर मुझे कही दूसरी 23 नंबर आंसर पे मैंने डी जो मानक आंसर डी आसदम करेक्ट अच्छे जो मानक आज किसी आने तो मैं तुम आंसर को आप थे चेक कर दि 21 नंबर आंसर पे के 21 नंबर आंसर आस देखिए 24 नंबर आ दुईटा क्वेश्चन आम रहा 24 नंबर कौन देखिए इफ इन ए सडन कोड लांगुएज डी इज रिटन आज 162251625529 एंड टू भी रिटन आज तेज जब डी को पे 162255529 लिखे तब टू को सी कौन लिखि पार पे क्वेश्चन तुमने सामने ऑप्शन भी तुमने सामने सल्यूशन करके आंसर दि तुम टाइम स्टार्ट है एवं थर्टी सेकेंड टाइम तुम्हारे पाखे अच्छी जल्दी जल्दी रिप्लाई आंसर दि अलरेडी 31 मिनिट्स हो गला अच्छा थर्टी सेकेंड टाइम अच्छे पे आंसर दि मैंने 30 सेकेंड अलरेडी हो जाए 24 नंबर आंसर तो मुझे कह दूँ 24 नंबर आंसर पे मैंने बी 24 नंबर आंसर है बी तो जो मानक आंसर बी आस एकदम करेक्ट अच्छी तो से प्लस वन कर दि ना प्लस जीरो कर दि पे 24 क्वेश्चन अच्छे अच्छा लास्ट क्वेश्चन मारि नहीं गोटे मिनट पे मैं लास्ट क्वेश्चन मार्ड कर दूँ पे देख 25 नंबर देख 25 नंबर कौन दे इफ रीजन इज कोडेड आज पे रीजन को से कोड कौन लिखी सेवेन लिखी आउ बिलीव को से कोड लांगुएज नाइन लिखी तो सेमती पचार गवर्नमेंट को कोड लांगुएज कौन लिखा जाए इफ रीजन इज रिटन आज सेवेन बिलीव डी रिटन आज नाइन नाइन हाउ विल गवर्नमेंट कैन भी रिटन इंटर कोड पे तुम टाइम स्टार्ट होबू तुम्हें आंसर कह 30 सेकेंड टाइम अच्छे तुम्हारे पाखे यहाँ अवश्य 10 सेकेंड रही जब तथा 30 सेकेंड टाइम अच्छी तुमने सल्व करके कह आंसर कौन हो 25 नंबर लास्ट क्वेश्चन आज आज या पर सेशन में एंड करवा समस्त पे कह आंसर कहटे आंसर समस्त कह आउ तीन सेकेंड दुई सेकेंड वन सेकेंड स्टप तो पे तुम टाइम हो जाए तो 25 नंबर आंसर पे 25 नंबर आंसर हम सी तो पे 25 क्वेश्चन मैं सरी जाए तो या तुम 25 क्वेश्चन मुझे 30 आंसर पे तो तुम्हें समस्त कहीं भी फर्जरी करना जिते तुम ठीक अच्छे जेत 25 जिते ठीक अच्छे पे तुम 25 से तुम ना सैड्रे से 25 तुम्हें कैसे 25 के रखिल पे समस्त कमेंट सेक्शन में आंसर करदेव आ जब क्लास भल लगे पे निहत गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर आउ तुमने सांग भितर सेयार कर पे मोस्ट इंपोर्टेंट कथ तुम्हें गोटे फिडबैक् दबे मुझे तुम्हें जो पढ़ू भल लगुच कि ना कि कौटी मजदूर कमी रही कमी इंप्रूव करें तो तुम्हें कह तो कहले मत भल लगे है कि तुम्हें समस्त मतलब कह कि भल लगुच ना टे फिडबैक् मतलब दब पे एम आज क्लास ये पे एंड करुँच तो पुणी देख नेक्स्ट क्लास में सब पर्यटन भल रही था जय जगन्नाथ।